हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि यह हम लोगों का अभ्यास 5G चालू होगा और इसमें का दोस्तों हम आइए पहला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों, गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए पिछले प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं दोस्तों, अगर नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कृपया जाकर उसमें बढ़िया से देख ले, तभी गुणनखंड आएगा। तो आइए दोस्तों, इसमें का पहला सवाल बताते हैं। नहीं भी आता है दोस्तों तो ज़रूर आएगा। देखिए पहला सवाल क्या है दोस्तों हम लोगों का, 4x² + 5x + 1, इसका क्या करना है दोस्तों, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि अचर पद का स्क्वायर वाले में गुणा करते हैं, एक का इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा दोस्तों हम लोग का, एक का गुणा करेंगे 4x² में तो होगा 4x² ही होगा। अब देखिए दोस्तों, बीच वाले पद को ऐसा तुलना रहता है, बीच वाले पद को ऐसे दो हिस्सों में बांटना होता है कि उसका गुणा करें तो 4x² आ जाए और जोड़े घटाए तो 5x के बराबर हो जाए, या जोड़े घटाए तो 5x के बराबर आ जाए। तो देखिए दोस्तों, ये तो हम लोग लिख देंगे, ये भी क्या कर देंगे दोस्तों लिख देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों कि बीच वाले को ऐसे लिखना है कि जोड़े तो 5 आ जाए और गुणा करें तो 4x² आ जाए। तो क्या करेंगे दोस्तों, 4x लेंगे प्लस x लेंगे, क्योंकि x के आगे क्या है दोस्तों, 1 है। 4x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग को, 5 हो जाएगा। 4 का 1 में गुणा करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 4। x का 1 में गुणा करेंगे दोस्तों 1x² आ जाएगा। जब यह कंडीशन अप्लाई हो जाता है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं, दो दो पदों का जोड़ा लगा लेते हैं। अब इसमें का क्या मन है दोस्तों हम लोगों का, तो 4x का मन है। क्या बचेगा दोस्तों हम लोगों का, यहाँ क्या बचेगा, तो केवल x बचेगा, क्योंकि 1x कामन हो चुका है, 4 भी कामन हो चुका है। यहाँ क्या बचेगा दोस्तों, तो आप कहेंगे कि कुछ भी नहीं, तो 1 बचेगा। जब कुछ भी ना बचे तो क्या लिखते हैं दोस्तों, 1। अब देखिए दोस्तों, यहाँ क्या कामन है, तो कुछ भी कामन नहीं है। जब कुछ भी कामन नहीं रहता है तो दोस्तों क्या करते हैं, 1 कामन करते हैं। आगे प्लस है तो प्लस ही कामन करेंगे, आगे माइनस रहता है तो माइनस कामन करते। क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग, 1 कामन करते हैं तो कुछ भी कामन नहीं रहता है तो 1 ही कामन करते हैं और सेम वैसा ही लिख देते हैं। अब देखिए दोस्तों, x + 1 हम लोगों का मिल गया, ये क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, 1 बार लिखाएगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि यह कामन हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा दोस्तों हम लोगों का, 4x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा दोस्तों हम लोगों का, 1 बचेगा। ये क्या हो गया दोस्तों हम लोगों का, आंसर हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसमें का मैं 18वां सवाल बता रहा हूँ, एकदम लास्ट वाला सवाल दोस्तों। इसमें का लगाइएगा, नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा, मैं पुनः वापस बता दूंगा। देखिए दोस्तों, 18 नंबर सवाल क्या है हम लोग का, -12b/5 - b/3 + b। क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, पहले बी सब में है तो बी कामन कर लेंगे। यहाँ क्या बचेगा दोस्तों हम लोग का, 12b/4 - 1 कम हो जाएगा, क्योंकि b कामन हो चुका है। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, 2b² हो जाएगा, और यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा तो 1। अब क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, इसी का गुणनखंड करना है हमें। तो गुणनखंड करने से पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पुट करेंगे। पुट क्या करेंगे दोस्तों कि लेट करेंगे, सॉरी दोस्तों, लेट करेंगे। मानेंगे हम लोग कि b² बराबर क्या मानेंगे दोस्तों हम लोग, कुछ भी मान सकते हैं इसको छोड़कर, तो x मान जाएंगे। चलिए x मान गए b² बराबर। अब देखिए दोस्तों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -12। इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, b² का स्क्वायर -b² + 1। अब देखिए दोस्तों, ये स्क्वायर का स्क्वायर मतलब क्या होता है दोस्तों हम लोग का, 2 दुना कितना आ जाएगा, 4। फिर वही आ जाएगा दोस्तों, केवल पुट करने के लिए ऐसा हम लोग बनाए हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 12b² के जगह पर क्या रख देंगे दोस्तों हम लोग, x, और ये क्या दोस्तों, स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, 2b² के जगह पर क्या रख देंगे हम लोग, x रख देंगे, और ये +1।
अब क्या कर देंगे दोस्तों, यह द्विघात समीकरण में हो गया, अब इसका गुणनखंड कर देंगे हम लोग। तो गुणनखंड कैसे करते हैं दोस्तों, तो लास्ट वाला पद का शुरू में गुणा करते हैं स्क्वायर वाला पद में, तो कितना आएगा हम लोगों का, माइनस बारह एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि प्लस का माइनस में गुणा होगा दोस्तों, माइनस बारह का में बारह और एक्स स्क्वायर। अब बीच वाले पद को दोस्तों ऐसा तोड़ना है कि गुणा करे तो माइनस बारह एक्स स्क्वायर आ जाए, और जोड़े घटाएं तो कितना आ जाए दोस्तों हम लोगों का, कुछ भी ना आए, मतलब एक एक्स आए। तो यह कैसे होगा दोस्तों, अगर नहीं मालूम है तो हम लोग क्या करेंगे, बारह का गुणनखंड कर देंगे, दो से कटाएंगे दोस्तों तो छः होगा, दो छः का बारह तो होता है, लेकिन छः में से दो घटाएंगे तो दोस्तों एक नहीं आएगा, तो फिर कटाएंगे दोस्तों दो त्याई छः, दो दुना कितना हो गया दोस्तों चार, चार त्याई बारह होता है, चार में से तीन घटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोग का एक आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं दोस्तों, बारह एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये माइनस में है तो दो दुना का चार, चार को क्या लिखेंगे दोस्तों हम लोग माइनस में लिखेंगे, और तीन को क्या लिख देंगे दोस्तों हम लोग प्लस में, और प्लस वन बराबर जीरो, जीरो नहीं दोस्तों, देखिए दोस्तों ये क्यों लिखे हैं, चार में से तीन घटेगा एक बचेगा, जो को अधिक रहेगा उसका माइनस चिन्ह लग जाएगा, माइनस का प्लस में गुणा करेंगे दोस्तों माइनस आ जाएगा, चार तय कितना हो जाएगा बारह, एक्स का एक्स में गुणा करेंगे दोस्तों एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कंडीशन अप्लाई हो गया दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे कि दो दो पदों का जोड़ा लगा देंगे, अब कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी, इसमें क्या कामन है तो माइनस चार एक्स, क्या बचेगा दोस्तों यहाँ, चार से भाग देंगे बारह में तो तीन बचेगा, और एक एक्स कामन हो चुका है, तो एक्स बचेगा दोस्तों माइनस चार एक्स तो कामन हो चुका है, तो यहाँ क्या बचेगा दोस्तों एक। अब देखिए दोस्तों दोनों में माइनस है, तो दोनों में माइनस है तो दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का प्लस हो जाएगा, इसमें क्या कामन है दोस्तों, तो कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं कामन रहता है, तो दोस्तों एक कामन करते हैं और ये वैसा ही उतार देते हैं, थ्री एक्स प्लस वन। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, बी सेम सेम वाला क्या करते हैं दोस्तों, उसको कामन कर लेते हैं, और जो बचता है उसे एक कोष्ठ में कर लेते हैं, माइनस चार एक्स प्लस वन। अब क्या करेंगे दोस्तों, पुट करेंगे, पुट क्या करेंगे दोस्तों, रखेंगे हम लोग क्या दोस्तों, बी स्क्वायर एक्स का मान क्या रखेंगे दोस्तों, बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर का मान स्थान पर क्या रखे थे हम लोग, यक्स, यानी यक्स के स्थान पर क्या रखेंगे दोस्तों, बी स्क्वायर। तो बी यहाँ चेंज हो रहा है दोस्तों, यक्स के स्थान पर क्या रखेंगे हम लोग, बी स्क्वायर, और यहाँ भी क्या रखेंगे दोस्तों, यक्स के स्थान पे बी स्क्वायर प्लस वन। अब क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग, ध्यान दीजिए कि बी ये क्या हो जाएगा दोस्तों, थ्री बी स्क्वायर प्लस वन, एक कोष्ट में हो गया, और इसे क्या लिख देंगे दोस्तों, वन माइनस फोर बी का स्क्वायर। अब क्या होगा दोस्तों हम लोग का, बी थ्री बी का स्क्वायर प्लस वन, इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग, ध्यान दीजिएगा कि एक का वर्ग क्या होता है दोस्तों, एक ही होता है, और चार बी का वर्ग लिखेंगे तो क्या होगा दोस्तों हम लोग का, टू बी का वर्ग होगा, यानी दो दुना का चार हो जाएगा दोस्तों, बी का वर्ग करेंगे तो बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है दोस्तों हम लोगों का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है दोस्तों, एक कोष्ठ में प्लस बी, ए के स्थान पर क्या है दोस्तों, एक है, और बी के स्थान पर क्या है दोस्तों, टू बी है, एक कोष्ठ में ए प्लस बी, एक कोष्ठ में ए माइनस बी, ए का मान एक एक है दोस्तों, और बी का मान माइनस टू बी है। अब यही क्या हो गया दोस्तों हम लोगों का आंसर हो गया, आंसर आगे पीछे हो सकता है दोस्तों, कोई गड़बड़ी नहीं है। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।